हेलो फ्रेंड, वेब डिजाइनिंग की कोर्स की प्लेलिस्ट को आगे लेके चलते हुए आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द फ्लोट प्रॉपर्टीज और उसके बाद सूडो क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्लोट प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके बारे में हम बात करें तो फ्लोट प्रॉपर्टीज क्या होती है, किसी भी चीज को पोजिशनिंग करने के लिए या फॉर्मेटिंग कंटेंट को करने के लिए फ्लोट प्रॉपर्टीज का यूज किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें फ्लोट प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पे क्या होता है, लेट एन इमेज फ्लोट। अगर कोई इमेज क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है लेफ्ट टू द टेक्स्ट इन ए कंटेनर, किसी भी कंटेनर के अंदर है और वो लेफ्ट में फ्लोट कर रहा है बार बार, तो उसको फिक्स पोजिशन पे करने के लिए हम फ्लोट प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। फ्लोट प्रॉपर्टीज के अंदर हम क्या क्या यूज करते हैं, लेफ्ट होता है, राइट होता है, नन होता है और इनहेरिट होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, लेफ्ट क्या करता है, जो भी एलिमेंट होता है उसको लेफ्ट साइड में, जो भी कंटेनर है कंटेनर के लेफ्ट साइड में एलिमेंट को सेट कर देता है। और राइट प्रॉपर्टीज क्या करती है, जो भी कंटेनर है और एलिमेंट को कंटेनर के राइट साइड में फ्लोट कर देता है। नन का मतलब है कि एलिमेंट डज नॉट फ्लोट, एलिमेंट को फ्लोट करता ही नहीं है, दिस इज डिफिकल्ट, यही तो कठिनाई होती है, ठीक है। उसके बाद इनहेरिट होता है, इनहेरिट के अंदर मतलब क्या होता है कि जो भी एलिमेंट है इनहेरिट फ्लोट वैल्यू इज पैरेंट होना चाहिए, ठीक है, फ्लोट वैल्यू पैरेंट होता है। आप बात करें क्योंकि इसको किस तरह से अप्लाई करते हैं, सिंटेक्स क्या होगा, जैसे हमारा इमेज हो गया, इमेज पे हमने फ्लोट फ्लोट करके राइट कर दिया, राइट साइड में वो फ्लोट हो जाएगा। उसके बाद सूडो क्लास आता है, सूडो क्लास क्या होता है, सूडो क्लास इज यूज टू डिफाइन द स्पेशल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एक स्पेशल स्टेट है सूडो क्लास। सूडो क्लास फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि कोई भी स्टाइल है, ठीक है, इट कैन बी यूज टू, इसका यूज क्यों करते हैं, स्टाइल एंड एलिमेंट व्हेन ए यूज माउस होवर, मतलब जैसे किसी भी कोई भी एलिमेंट है हमारे पास, कोई भी एलिमेंट है, मान लो बटन है कोई, ठीक है, हमारे पास वेबसाइट के अंदर कोई बटन है, जैसे भी हम इसके ऊपर माउस लेके जाए इसका कलर चेंज हो जाए, यानी माउस होवर वाला इफेक्ट, मतलब जैसे माउस होवर करे इसका कलर चेंज हो जाए, तो उसके उसको क्या कहते हैं कि सूडो क्लास। सूडो क्लास ऐसे काम करता है, मतलब ये डिफाइन करता है कि जो भी स्टाइल है, मतलब माउस विजिटेड है अनविजिटेड, मतलब अगर विजिट हो तो इसका कलर चेंज हो जाए, अनविजिट रहे तो इसका कलर एज इट इज रहे, ठीक है। स्टाइल एलिमेंट होन गोज द फोकस, उसके बाद इसको हम देखो किस तरह से देखते हैं, तो सबसे पहले सेलेक्टर हो गया, सूडो क्लास को हमने दे दिया प्रॉपर्टी वैल्यू, यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी होगी उसकी वैल्यू दे देंगे। अब देखो इसमें चीजें क्या होती है, एंकर सूडो क्लासेस क्या होते हैं, एंकर सूडो क्लासेस के बारे में डिफाइन कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, जैसे अनविजिटेड लिंक, अगर क्या होता है कि विजिट नहीं हम किए हैं तब, जो भी हमारे अनविजिटेड मतलब जो भी हमारी बटन है, ठीक है, इस बटन है मान लो सबमिट बटन है, सबमिट बटन पे अगर हम अनविजिटेड है तब क्या हो, कलर इसका कुछ इस तरह से रहे, ठीक है, मान लो यहाँ पे कलर इसका रेड है, ठीक है, हमने मान लिया रेड, अब कह रहा है कि जैसे हमने विजिट किया इसका कलर क्या हो जाए, व्हाइट हो जाए, लो भैया, ठीक है। अब उसके बाद माउस ओवर लिंक, मतलब जैसे माउस लेके जाए, मतलब इस पर क्लिक करने पे कलर चेंज हुआ, ठीक है, अनविजिटेड जब कुछ नहीं था तब, अब जब विजिट किए क्लिक किया तो कलर चेंज हुआ, माउस ओवर जैसे माउस लेके गए तो इसका कलर कुछ और होना चाहिए, मान लो ब्लू हो जाए, ठीक है। और सेलेक्टेड लिंक, जैसे सेलेक्ट करें ए एक्टिव, मतलब यहां देखो ए यहाँ पे क्या था, लिंक हमने डाला सिंपल सा, यहाँ पे विजिटेड डाला, यहाँ पे ए होवर, होवर करने पे कुछ इस तरह का इफेक्ट होना, एक्टिव इफेक्ट के लिए हम कुछ इस तरह की चीजों को यूज करते हैं। अब नेविगेशन बार क्या होता है, नेविगेशन बार आप हर एक वेबसाइट के अंदर देखे होंगे, नेविगेशन बार क्या होता है कि जो भी ऊपर आपको यहाँ पे क्या होता है कि ऊपर वेबसाइट के सबसे टॉप में यहाँ पे क्या होता है, लोगो होता है, यहाँ पे होम होता है, सर्विसेस होता है, अबाउट होता है, कॉन्टेक्ट अस होता है, इसको हम नेविगेशन बार बोलते हैं। नेविगेशन बार क्या होता है, नेविगेशन बार इज ए लिस्ट ऑफ लिंक्स, ठीक है, नेविगेशन बार की सिंपल सी डिफिनेशन होती है लिस्ट ऑफ लिंक्स, यानी जितने भी लिंक होते हैं ना पेज पेज के, उसको उसी के लिस्ट को ही हम क्या कहते हैं, नेविगेशन बार। हैविंग इजी टू नेविगेट, नेविगेशन मतलब हम चाहते हैं एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए, मतलब इजी टू नेविगेट करने के लिए हम नेविगेशन बार का यूज करते हैं, ताकि यूजर जो भी हो अगर होम पे रहना चाहता है होम पे आ जाए, सर्विस हमारी देखनी चाहती है तो सर्विस पे क्लिक करे, अबाउट यानी हमारे बारे में देखना चाहता है तो यहाँ पे आ जाए, कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो हमारे दूसरे पेज पे आ जाए कॉन्टैक्ट वाले पे, तो नेविगेशन करने के लिए यूज किया जाता है। तो विथ CSS यू कैन ट्रांसफॉर्म बोरिंग HTML मेन, मतलब गुड लुकिंग नेविगेशन बार होना चाहिए, जो नेविगेशन बार्स होते हैं लिस्ट ऑफ द लिंक्स होते हैं, मतलब लिंक होते हैं, उसके बाद ए नेविगेशन बार नीड स्टैंडर्ड HTML एज ए बेस, जो ये नेविगेशन बार होता है एक स्टैंडर्ड HTML बेस के बारे में देखता है। उसके बाद अगर हम बात करें इन आवर एग्जाम्पल वी बिल्ड द नेविगेशन बार फॉर्म स्टैंडर्ड HTML लिस्ट के लिए, उसके बाद ए नेविगेशन बार बेसिकली
लिस्ट ऑफ लिंक्स, एक लिस्ट ऑफ लिंक्स होता है, सो यूजिंग द यूएल एंड यूएल यूआई का मतलब, ठीक है, मतलब अनऑर्डर लिस्ट और एलआई लिस्ट का यूज हम करते हैं, लिस्ट का यूज करते हैं एलिमेंट को मिक्स करने के लिए। जैसे क्या हो गया यूएल, यहाँ पे हमने क्या किया, अब हम नेविगेशन बार बना रहे हैं, तो लिस्ट के अंदर क्या हो गया एचआरएफ, एचआरएफ मतलब जो भी हमें क्या है रेफरेंस देना है, ठीक है, यहाँ पर डिफॉल्ट ये दे दिया हमने, जो भी लिंक है हमारे पेज का, पिंग पेज का एड्रेस दे दिया, उसके बाद होम, होम पे क्लिक करने पे हम इस पे विजिट करेंगे, एंकर टैग लगा दिया यहाँ पे, सारी चीजें इसी तरह से हो जाएंगी, यहाँ पे हमने दिखा। अब उसके बाद इस इमेज स्प्रिट, इमेज स्प्रिट क्या होता है, इन सारी चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इमेज स्प्रिट क्या होता है, क्वेश्चन आप में आपके एग्जाम में आता है इससे रिलेटेड, कि इमेज स्प्रिट क्या होता है, इमेज स्प्रिट इज ए कलेक्शन ऑफ इमेज पुट इनटू ए सिंगल इमेज, मतलब जब हम क्या करते हैं एक सिंगल इमेज के अंदर मल्टीपल इमेज को पुट कर देते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि उसको इमेज स्प्रिट कहते हैं, मतलब हर एक छोटे छोटे इमेज से टूट कर बना एक बड़ा इमेज को ही इमेज स्प्रिट कहते हैं। ए वेब पेज विथ मेनी इमेज कैन टेक ए लॉन्ग टाइम टू लोड, क्या कहता है कि एक वेब पेज के अंदर बहुत सारे इमेज होते हैं जो कि लोड होने में बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं, जनरेट्स मल्टीपल सर्वर रिक्वेस्ट, जो क्या करते हैं जनरेट करते हैं मल्टीपल सर्वर रिक्वेस्ट को, यूजिंग इमेज स्प्रिट विल रिड्यूस द नंबर ऑफ सर्वर रिक्वेस्ट, हम क्या कर सकते हैं इमेज स्प्रिट का यूज करके जो भी नंबर ऑफ सर्वर रिक्वेस्ट है, जो भी सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट जा रहा है इस इमेज को लोड करने के लिए, जल्दी लोड करो जल्दी लोड करो, उसको हम कम कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं थ्री सेपरेट इमेज जैसे लिए इन यूजिंग द सिंगल इमेज इंसर्ट, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि तीन हम सेपरेट इमेज लिए और एक सिंगल इमेज के अंदर ऐड करते हैं, जैसे होम हो गया, हमने विड्थ सेलेक्ट किया, हाइट सेलेक्ट किया और बैकग्राउंड हो गया और इमेज को इस तरह से हमने सेलेक्ट कर लिया। तो क्या होता है इमेज स्प्लिटिंग का मतलब क्या हो गया कि किसी भी एक इमेज के अंदर बहुत सारे इमेज को पुट करना ही इमेज स्प्लिट होता है, ठीक है। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आया होगा, आज के वीडियो में बस इतना ही, आज से आपका CSS भी द एंड हुआ। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू, बाय बाय गाइस।